जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेसांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की गाथा फिर नम कर जाएगी, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी, वीर अहीरों की वो गाथा आगे नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदि कुल के वीर सहित जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय जादव जय माधव। कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल कराने के लिए कुर्मी सांसद जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सांसद किरू महतो ने कहा है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं देने पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। झारखंड में कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अब आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कुर्मी संगठनों की ने की है। ऐसे में राज्यसभा सांसद खीड़ू महतो हमारे साथ हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर कुर्मियों को आदिवासियों में शामिल करने को लेकर क्या कवायद चल रही है। ये जो आदिवासियों में शामिल करने की बात है कुर्मियों की, आखिर इस पर क्या कुछ हो रहा है और कुर्मी संगठन और आपके बिरादरी के लोग इस दिशा में क्या वाकई में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे झारखंड में? देखिए, एक बार तो कुर्मी के तरफ से आपका है सो झारखंड और उड़ीसा बंगाल है सो नाकाबंदी किया था, और उसके बाद है सो फिर पुनः है सो नाकाबंदी जब लोकसभा खुलेगा उसी समय करने की चल रही बात, और कुछ संगठनों ने उससे कहा है कि हम लोग है सो डायरेक्ट जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे नई दिल्ली जाकर इस मुद्दे पर। तो ये मांग बहुत पुराना है, ये कुर्मी को भी आदिवासी में शामिल करिए। कई न्यायालयों का, चाहे आप बंगाल हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का कई डिसीजन ऐसा है कि कुर्मी आदिवासी रहे हैं, ऐसा डिसीजन आया है। आदिवासी और कुर्मी में बहुत विवाद हुआ कि ये जमीन नहीं ले सकता, आदिवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, आदिवासी है कुर्मी भी, ऐसा कई केस में डिसीजन हुआ है। और इसे लेकर पहले से कुर्मी आदिवासी थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको बगलाने का प्रयास करते हैं, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। अगर कुर्मी को आदिवासी झारखंड में अगर मान लिया जाए तो पूरा आदिवासी राज घोषित हो जाएगा, ये चूँकि 20-21% कुर्मी हैं और उसमें से छोटे छोटे ऐसे समूह में जातियों को धीरे धीरे कुर्मी यदि आदिवासी में शामिल किया जा रहा है, करते 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 क्या रह जाएगा, हो रहा है अभी। ऐसे कुछ लोगों का ऐसे अनुसूचित जाति से गंजू सब सबको हटा दिया गया, आदिवासी में ले जाएगा, अभी लोगों को परेशानी हो गई है। अब वहाँ जितना चतरा उतरा में मुखिया में भी नहीं खड़े हो सके, और बहुत लोग निर्विरोध हो गया, और जो सब ऐसे आदिवासी चलते उस सबका सिर सब गंवाना पड़ा। अभी तो अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ विधानसभा का, जैसे कभी काल ऐसे कांग्रेस के समय हुआ था कि भाई
आरक्षण है सो करो, विधानसभा वाइज तो बहुत आरक्षण हो गया, जहाँ कुर्मी थे वहाँ भी आरक्षण हो गया, जहाँ नहीं थे वहाँ भी आरक्षण हो गया। अब फलस्वरूप अभी जब ये बन रहा था आरक्षण नीति जब बनाया जा रहा था कैसो कि उसको चेंज करना है तो बहुत लोग विरोध कर दिया। तो अभी तो स्थिति हो जाएगी कि चतरा में और आस पास में बहुत जगह सीट है सो के चक्कर में है सो लोग ऐसा अफसोस कर रहे हैं कि अब कैसे क्या होगा, इस सीट को फिर चेंज किया जाए नहीं तो फिर हमारे का अस्तित्व रहेगा। तो इस तरह से है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना चाहिए, सरकार को, केंद्र सरकार को उसमें ऐसा हस्तक्षेप करना चाहिए। और राज्य सरकार तो एक बार रघुवर दास के समय में यहाँ से भेजा भी गया था, हेमंत सोरेन भी ऐसे उसमें सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं सो बात नहीं है, लेकिन अब उसमें है कि विधानसभा से यहाँ से वहाँ से जो भी हो बढ़िया से बनाकर जो कमी बेसी रही अगले सरकार के उसको त्रुटि को समाप्त करते हुए भेज देना चाहिए। ये तो अर्जुन मुंडा का डिपार्टमेंट है, तो ऐसे में जो केंद्र में भेजा गया है, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आदिवासी मंत्री के रहते हुए कुर्मियों को वो स्थान मिल पाएगा? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, अरे अर्जुन मुंडा माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी हैं तो हम भी आदिवासी हैं तो आदिवासी आदिवासी सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब सरकार माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री का इच्छा हो जाएगा कि इनको शामिल कर देना है तो वहाँ मंत्री सब कहीं नहीं रह पाएंगे और हो जाएगा। प्रधानमंत्री से मिलेंगे आप लोग कुर्मी के तमाम जो नेता हैं? एकदम मिलने की तैयारी चल रही है, गोष्ठी चल रही है कि उनसे भी मिला जाएगा कि भाई इस पर विचार किया जाए जिससे प्रधानमंत्री भी अवगत हो सके और पूरा डिटेल के साथ, ऐसे नहीं हवा में नहीं। 1931 तक हम थे, उसके हाई कोर्ट के कई जगह का जजे का फैसला है, संथाली वर्सेस कुर्मी के साथ भी विवाद हुआ, फिर जज कहा ये भी आदिवासी है आप भी आदिवासी इसलिए आदिवासी आदिवासी को बेच सकता है, ये सब बहुत जगह का है न्यायालय का, हम लोग के पास लोग ला कर दिखाया है। तो वो सब डिटेल लेके और वकील से पूरा राय लेकर पूरा बना के एक मजमा पूरा है सो जब दिया जाएगा प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को तो उस पर वो लोग देखेंगे, उस पर है सो संतुष्ट होंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। ये आप लोगों को क्या लगता है कि जो आदिवासी स्टेट हो जाएगा तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा झारखंड के लोगों को, यहाँ के लोगों को क्या, जो आपने बात कही कि आदिवासी स्टेट हो जाएगा? नहीं नहीं लोग बोलते हैं ना भाई, या देखिए सबसे पहले तो यहाँ दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया गया था आदिवासी स्टेट है, ये भ्रम पैदा हो गया था आदिवासी स्टेट है। जो ही चेंजिंग हुआ रघुवर दास सबके दिमाग दुरुस्त हो गया, आदिवासी स्टेट नहीं है, इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सब जगह लंगटे हो रही थी तो आदिवासी स्टेट। तो मेरा कहने का तात्पर्य आदिवासी स्टेट नहीं था लेकिन उसको कहा जा रहा था, लेकिन बीच में जब चेंज हो गया ख़त्म हो गया। अब ये हम इसलिए इस बात को कहा कि अगर इन लोगों को ले लिया जाए 20% कुर्मी को भी तो हो जाएगा मैंने एक्चुअल, मतलब ये तो आंकड़ा 50 के अंदर का होगा, हो जाएगा 50 के अंदर से केंद्र से फायदा। और कितना अभी घटवार जाति के भी लोग बोल रहे हैं आदिवासी में शामिल करो, वो भी ऐसे प्रतिनिधित्व दे रहा है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ और जगह दे रहा है, कितने लोग और आदिवासी के लाइन में लगे हुए हैं, हम तो हैं लगे हुए, हम लोग लगे हुए हैं, तो सब इन लोगों को मिला दिया जाएगा तो फिर बहुत और हो जाएगा। मतलब ये कब तक आप लोगों को उम्मीद है कि कब तक हो पाएगा? संसद का शीतकालीन सत्र भी होगा तो उसमें आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए ये है सो 2024 के पहले अगर होना होगा तो हो जाएगा, 24 के पहले हो जाएगा। और जहाँ तक संसद में उठाने की बात है तो हम लोग कोई भी चीज़ संसद में तभी उठाएंगे इस मामले को, आंदोलन चल रहा है उस बीच में तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि भाई जो सही चीज़ है सही वस्तु है संसद में लाएं और उसको वहाँ बहस में रखें, ये हम लोग प्रयास करेंगे रखने के लिए। तमाम जो कुर्मी जाति के जो सांसद हैं वो क्या जाएंगे प्रधानमंत्री के पास इस बार शीतकालीन अधिवेशन में ये बात उठाएंगे कि कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जाए? हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग ऐसे जो भी सांसद हैं, सांसद तो बहुत वहाँ कुर्मी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, आपका गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी हम लोग मिलते हैं ना वहाँ, बहुत लोग हैं, लेकिन झारखंड और उड़ीसा और बंगाल के जो सांसद हैं हम लोग सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते रहते हैं, जब भी ऐसा लंच में होता है तो उस समय भी हम लोग एक जगह बैठते हैं सेंट्रल हॉल में बात करते हैं। तो हम लोग एक राय बनाएंगे, बनाने के बाद जो स्थिति क्षेत्र में हमारे स्वजातीय लोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है विभिन्न संस्थाओं से, हम लोग उसको एकत्रित करेंगे और सब जगह एकत्रित होगा, बहुत लोग करके रखे हुए भी हैं तो उसको ले लेंगे, उसके बाद उस आधार पर हम लोग ड्राफ्टिंग पहले बनाएंगे
कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील को दे देंगे, भैया इसको बनाओ बढ़िया से, और उसके बाद तब जाएंगे मिलने के लिए हस्ताक्षर करके। ऐसे जाना ठीक नहीं है, विधिवत जाएंगे तब विधिवत वहाँ काम भी होगी, और हम लोग क्वेश्चन भी करना होगा, सवाल भी करना होगा तो करेंगे वहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जैसा बोलेंगे उसके आधार पर हम लोग भी कर सकते हैं। ये थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कीरू महतो, जो बता रहे हैं कि आगामी शीतकालीन अधिवेशन के पहले एक बैठक होगी, उसमें तमाम कुर्मी के नेताओं की राय ली जाएगी, और ऐसी स्थिति में जब कुर्मियों को आदिवासियों में शामिल करने की मांग होगी तो ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी ताकि प्रधानमंत्री से मिलकर वो पुख्ता तरीके से अपनी बातों को रख सकें। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।